दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देशों दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, किसान आंदोलन में मारे गए सुपकण की फैमिली को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर मारे गए सुपकण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये राशि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने देने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये भी घोषणा है कि मारे गए युवक की छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने की बड़ी मांग, कहा किसान की मौत के लिए मुख्यमंत्री खट्टर पर हो FIR, प्रधानमंत्री मोदी आकर दें जवाब। दरअसल हरियाणा पंजाब सीमा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में एक किसान की मौत हुई। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा सरकार से बेहद नाराज है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि किसान की हत्या को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ FIR होनी चाहिए। उधर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद बात करने की गुजारिश की है। अगली बड़ी खबर, इंडिया के किसान आंदोलन ने UK का बढ़ाया सियासी तापमान, ब्रिटिश संसद में सिख MP ने उठाया मुद्दा। दरअसल किसान आंदोलन में प्रदर्शन के दौरान एक युवा अन्नदाता की मौत के मामले को लेकर ब्रिटिश की संसद ने चिंता जाहिर की है। वहां से सिख सांसद तनमनजीत सिंह देसी ने कहा कि किसानों की अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा की जानी चाहिए। संसद में संबोधन के दौरान सांसद देसी ने कहा कि पुलिस के साथ में धक्का मुक्की और अफरा तफरी के बीच कल भारत में किसान आंदोलन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलनकारियों पर नहीं लगेगा रासुका, पलट गई हरियाणा पुलिस। दरअसल हरियाणा के संबू और खनौरी बॉर्डर पर उपद्रव करने वाले किसान आंदोलनकारियों पर राज्य की पुलिस NSA नहीं लगाएगी। गुरुवार को ही अंबाला प्रशासन ने इस बात का ऐलान किया था। हालांकि शुक्रवार को अंबाला के IG सिवास कविराज ने कहा कि हमने फैसले पर पुनर्विचार किया है, अब अंत में यह निर्णय लिया गया है कि किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ NSA नहीं लगेगा। अगली बड़ी खबर, किसानों ने सरकार से कर डाली बड़ी मांग, कहा संभू बॉर्डर पर मारे गए किसान को मिले शहीद का दर्जा। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने संभू बॉर्डर पर मारे गए किसान को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमला करने वालों के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या के तहत मामला दर्ज किया जाए। पंजाब सरकार सुपकर्ण सिंह को शहीद का दर्जा दे और उनके परिवार को मुआवजा दे। आपको बता दें कि इसके बाद पंजाब सरकार ने सुपकर्ण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही सुपकर्ण की छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर, सरकारी आदेश के बाद X यानी ट्विटर कुछ अकाउंट को निलंबित करने को तैयार। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में X से कुछ अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। इन अकाउंट के माध्यम से किसान आंदोलन के समर्थन में बड़ी मुहिम चलाई जा रही थी। X ने कहा कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जिसमें कुछ X अकाउंट खातों और पोस्टों पर कार्यवाही करने की बात कही गई है। X का कहना है कि इन अकाउंट पर जुर्माना और जेल की सजा भी जैसी कार्यवाही करने की बात कही गई है। आदेशों के अनुपालन में हम इन और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे। हालांकि हम इन कार्यवाहियों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली में होगी महापंचायत, देश भर में फूके जाएंगे सरकार के पुतले। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली चलो मार्च का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इसका समर्थन कर रहा है। उसने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में किसान आंदोलन की अगुवाई की थी। चंडीगढ़ में एक बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसान 26 फरवरी को राजमार्गों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करेंगे। इस दौरान किसान पुलिस कार्यवाही की निंदा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पुतले भी फूकेंगे। अगली बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी किसान की मौत के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ब्लैक फ्राइडे मनाने का आह्वान। दरअसल किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है। प्रदर्शनकारी अन्नदाताओं की ओर से आज आक्रोश दिवस का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा सीमा पर एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध जताते हुए आज ब्लैक फ्राइडे मनाने की घोषणा की। इसको लेकर संभू बॉर्डर पर आज काफी गतिविधियां तेज रही। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में मारे गए 2 पुलिसकर्मी, एक को हुआ ब्रेन हेमरेज, एक किसान की मौत पर मचा बवाल। दरअसल हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। इस संबंध में पुलिस की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। खास बात यह है कि किसान आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत के बाद भारी बवाल है। किसान लगातार इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान लगभग 20 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। एक पुलिस कर्मचारी का ब्रेन हेमरेज, वह 2 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर फिक्स हो गई डील, आज ही होगा ऐलान। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीट अब कांग्रेस के खाते में जाएगी। आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में जो सीटें जाएंगी उसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली पर चुनाव लड़ेगी। इसका आज ही ऐलान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच भी बन जाएगी बात। सीट शेयरिंग का फार्मूला आया सामने, 5 के बदले देनी पड़ेंगी 3 सीटें। दरअसल सूत्रों के हवाले से कांग्रेस और टीएमसी गठबंधन का संभावित फार्मूला सामने आया है। कांग्रेस बंगाल में 5 सीटें मांग रही है, बदले में टीएमसी मेघालय में 1 और असम में 2 सीटें चाहती है। हालांकि जहां पर ममता कांग्रेस को बंगाल में 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेता मेघालय की 2 में से 1 सीट टीएमसी को देने के खिलाफ है। कांग्रेस का कहना है कि पेच सुलझ जाएगा और ममता बनर्जी से गठबंधन के पूरे आसार हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अजय राय ने कह दिया बड़ा ऐलान। बोले यूपी में हम 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। दरअसल सपा और कांग्रेस के सीट बंटवारे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि हम अपनी सीटों पर लड़ेंगे और हमारे पास में 17 सीटें हैं, हम पूरी ताकत से उन सीटों पर लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमबीए की 28 फरवरी को अहम बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी ने इस संबंध में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से फोन पर बातचीत की है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द ही सुलझ जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बाद सौरभ भारद्वाज ने किया बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी को दिल्ली में 7 सीटों पर हराएंगे। दरअसल सीट बंटवारे पर दिल्ली मंत्री एवं आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बहुत सकारात्मक बैठक रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन के बहुत मजबूत दल हैं और हम मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को सभी 7 सीटों पर हराएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को भेजी चिट्ठी। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे की घोषणा के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव फरवरी में आगरा में 25 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से लिखा गया आमंत्रण पत्र अखिलेश यादव को भेजा गया है, जिसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी ने ऐलान किया है कि अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा में यात्रा में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली में धरने पर बैठे सुकांत मजुमदार तो पुलिस ने कर लिया अरेस्ट। दरअसल पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के संदेश खाली को लेकर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार पुलिस से इजाजत मिलने के बाद संदेश खाली गए तो फरार टीएमसी नेता और महिलाओं का उत्पीड़न करने के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वहीं धरने पर बैठ गए। इस पर पुलिस ने सुकांत मजुमदार को हिरासत में ले लिया। अगली बड़ी खबर, सीबीआई के दावों को सत्यपाल मलिक ने बताया झूठा। बोले लोन पर लिया है घर, पेंशन से कट रही ईएमआई। दरअसल जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने सीबीआई के उन आरोपों को झूठा बताया जिसमें दावा किया जा रहा है कि छापे के बाद उनके घर से कथित तौर पर भारी नकदी मिली है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट टैक्स पर प्रतिक्रिया दी। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि सीबीआई ने मेरे आवास पर छापेमारी की, जिसमें सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि मेरे आवास से भारी मात्रा में नकदी व विभिन्न शहरों में मेरी संपत्ति होने की बातें कही हैं, जो बिल्कुल सरासर झूठ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे गांव में जो मेरी पैतृक संपत्ति थी वो बहुत पहले ही बिक चुकी है। हां, मैंने एक फ्लैट जयपुर में बैंक से ऋण लेकर लिया है जिसकी किस्तें मेरी पेंशन से कट रही हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि इसके सिवा मेरे पास कर्ज ही कर्ज है, अगर सरकार वो लेना चाहे तो उसे ले ले। अगली बड़ी खबर, यूपी में अब गाड़ी तेज चलाई तो कटेगा चालाना। P2Z कैमरे और स्पीड रडार मीटर लगाने जा रही पुलिस। दरअसल कानपुर शहर में आए दिन होने वाले हादसों से शहर की सड़कों पर खून और अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह बाइकों और कारों से हवा में बातें करने वाले वो लोग शामिल हैं जो अपने शौक और स्टाइल के चक्कर में खुद तो मौत के मुंह में पहुंचते हैं, साथ ही दूसरों की जिंदगी भी मौत के मुहाने पर पहुंचा देते हैं। इन हादसों को कम करने के लिए अब कानपुर पुलिस P2Z कैमरे और स्पीड रडार मीटर का उपयोग करेगी, जिससे ऑटोमेटिक खुद ही चालान कट जाएगा।
अगली बड़ी खबर, गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी का बड़ा बयान, बोले गुजरात में तोड़े गए 108 मजार, कोने कोने में घूम रहा बुलडोजर। दरअसल गुजरात में 108 मजार तोड़ दिए गए हैं, ये जानकारी खुद ही राज्य सरकार की ओर से दी गई है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने विधानसभा में कहा कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने राज्य में 108 मजारों को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत होने वाले किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से करार के बाद ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से भी चर्चा को तैयार हुई कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस पार्टी की समाजवादी पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर मोहर लग चुकी है। अब ये भी खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में भी बात बनने के करीब है। इसी बीच कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे से भी बातचीत की तैयारी की है। इसके अलावा पार्टी पश्चिम बंगाल में सीटों का नया गणित भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने पेश कर सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के अलग होने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की गाड़ी पटरी से उतरती नजर आ रही थी। इसके अलावा टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी भी सीट बंटवारे में लगातार हो रही देरी पर प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है और कांग्रेस इन विपक्षी दलों से बड़ी तेजी से संपर्क साधने में जुटी है। अगली बड़ी खबर, यूपी समेत कई राज्यों में 100 उम्मीदवार घोषित करने जा रही भाजपा, लिस्ट बनकर तैयार, मंजूरी का इंतजार। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों के लिए भाजपा में मंथन तेज हो गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसी महीने के अंत तक 100 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये उम्मीदवार उन सीटों पर घोषित किए जाएंगे जिन्हें पार्टी अपने लिए कठिन मानकर चल रही है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि जिन 100 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान होगा उनमें यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे शामिल हैं। इन सीटों पर भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी चाहती है कि यहां पर थोड़ा पहले से ही तैयारी कर ली जाए, इसीलिए 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इसी महीने कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, एक और किसान के दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत, किसान नेता पंधे ने किया बड़ा दावा, बोले अब तक 4 साथियों ने गवाई जाना, 3 पुलिसकर्मियों की भी हो गई मृत्यु। दरअसल किसान आंदोलन में एक और अन्नदाता की जान चली गई। दिल्ली चलो मार्च के बैनर तले किसानों के प्रदर्शन में होने वाली ये चौथी मौत है। आंदोलन के 11वें दिन अंग्रेजी अखबार TOI की रिपोर्ट में बताया गया कि खनौरी बॉर्डर पर हालिया मौत हुई है। मृतक की पहचान 62 साल के दर्शन सिंह के रूप में हुई है। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। वो पंजाब के भटिंडा के अमरगढ़ गांव के रहने वाले थे। आपको बता दें कि इसके अलावा इस प्रदर्शन में 3 पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जान गंवा दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।